Hey everyone, good morning, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे. आज है सैटरडे और हस्बैंड चले गए ऑफिस. टाइम 9:30 हो चुका है. पहले मैं लेट उठी सो के, फिर बारिश बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है तो नींद बहुत अच्छी है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडक मिली. बहुत अच्छा वेदर हो गया जब से बारिश, आज सुबह से बारिश हुई है पर बहुत ज़ोर की बारिश हुई है. प्लॉट खाली है ना, जब उसको पता लग जाता है कि बहुत पानी भरा हुआ है तो उसका मतलब बहुत ज़ोर की बारिश हुई है. तो मैं हमेश तो लेट उठे, हस्बैंड उठ गए थे क्योंकि ऑफिस था उनका. तो अभी फिलहाल मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ वो लोग वो गए थे तो बैठे थे, झाड़ू वगैरह कुछ नहीं करा. बाहर उन्होंने साफ कर दिया था. बारिश इतनी जोर के टेढ़ी करके वाइपर मार के पूरा साफ हो गया. अकेले बाहर की टेंशन तो नहीं आज. और यहाँ पे अनाई जो खेल रही है, इसको थोड़ा ना नोजी आ रही है, कोल्ड हो रहा है फिर से. पता नहीं क्या, एक दिन एक हफ्ता ठीक होती फिर वैसे ही खराब हो जाती है. उसका फिर से कोल्ड हो जाता है. बच्चों में ना फैल जाता है, स्कूल में कई तरह बच्चे होते हैं. ये देखिए ना, इसने टॉयज फैलाए हुए. और यहाँ पे मैं कर रही हूँ काम, सफाई कर रही हूँ क्योंकि आज मौसम अच्छा है, गर्मी नहीं हो रही, तो अच्छे से क्लीनिंग कर रही हूँ सारे बेड के नीचे घर से सफाई कर रही हूँ. तो पहले अभी यहाँ पे दादू वाले रूम पे कर रही हूँ. आजकल हम लोग इसी रूम पे शिफ्ट हुए हुए हैं क्योंकि इसमें वेंटिलेशन ज़्यादा है, डोर खुला रहता है तो हवा ज़्यादा अच्छी आती है. जो हमारा वाला रूम है उसमें फैन भी स्लो चल रहा है और वेंटिलेशन उतनी ज़्यादा नहीं है, इस वजह से आजकल हम लोग इसी रूम पे शिफ्ट हुए हैं. तो यहाँ देखिए मैंने अभी पूरा वी बैक जो बॉक्स है खुल जाता है नीचे वाली साइड, तो उसको निकाल के मैंने इसके नीचे से बैठ नीचे से सफाई करी हूँ क्योंकि ऐसे तो इसको खिसका नहीं सकते. तो इस वजह से मैं ऐसे ही करती हूँ उसकी सफाई. तो पहले मैंने ये वाली अलमीरा साफ़ कर ली, वो वाली नीचे वाली साफ़ कर ली. तो ये तो मैंने एक दिन करी थी साफ ऊपर वाली, अब ये रूम तो अच्छे से क्लीन कर दिया. और कल संडे है, कल मैं परे वाला मतलब जो हमारे वाला रूम है उसके बेड को ना मैं हस्बैंड और मैं दोनों खिसका देंगे क्योंकि वो तो खिसक जाते हैं, ये वाले बेड नहीं खिसकते, तो उसमें करूँगी सफाई. तो चलिए काम शुरू करते हैं और फटाफट से. खाना भी नहीं मिलाया और राशु को भी नहीं नहलाया. तो जो जब मैं काम में छिड़ती, जब कोई काम छिड़ जाता है ना, मतलब काम में कोई लगे उसी काम को पूरा करना है, तब तो को पूरा तब तक कुछ और काम सूझता ही नहीं है. तो हॉल में झाड़ू रहा है और किचन में रहा है, बाकी सब मैं दे दिया रूम में. तो चलिए कूड़े वाला भी आने वाला है, आवाज़ आने लगी तो पीछे से मेरी आवाज़ कम हो जाएगी जब कूड़े वाले की वॉल्यूम आती है. तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए. तो देखिए आप, मैंने बेड खोला हुआ है, जो नीचे वाली साइड है इसकी वो इजीली निकल जाती है, स्लाइडर है ये, तो आराम से निकल जाता है, आराम से लग भी जाता है. और इसको मेरे को सफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कि इसके नीचे मैं सफाई इजीली कर पाती हूँ. ज़्यादा डस्ट नहीं होती इसके नीचे क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट है, इसके नीचे डस्ट नहीं जाती. जो ऊपर वाली साइड है वो तो नॉर्मल सभी बेडों की तरह है, पर जो ये वाली साइड है ये निकल भी जाती है और लग भी जाती है. और इसमें ज़्यादा मैंने बेडशीट वगैरह रखी होती जो मतलब डेली यूज़ होती है, ज़्यादा सामान वही रखती हूँ मैं, इसमें जल्दी से निकल भी जाता है. और उसका मैं झाड़ू झूड़ू लगा दूंगी. आजकल हम लोग इसी कमरे में शिफ्ट हुए हैं क्योंकि इसमें वेंटिलेशन अच्छी है, हवा बहुत अच्छी आती है, तो इसीलिए इस रूम पे वैसे भी खाली होता है, हम लोग इसमें बहुत कम इसको यूज़ करते हैं. तो इसकी अलमीरा वगैरह तो मैंने साफ़ कर ली थी, बीच में मैं काम करने रहती लगी क्योंकि जब मैं नहीं चाहती घर पर तब तो होता नहीं है, जब मुझे टाइम लगता तो मैं साथ साथ कर लेती हूँ. यहाँ पर मैं जाले वगैरह झाड़ दूंगी, जाले थे नहीं, अगर मुझे जाले दिख जाते हैं रात को फिर तभी भी मैं दिन को भी साफ कर लेती हूँ, रात को भी साफ कर लेती हूँ क्योंकि जाले बहुत गंदे दिखते हैं घर पे. झाड़ू वगैरह लगने के बाद उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना था. अनशा लेट खाती है ब्रेकफास्ट, इसलिए मैंने बनाया नहीं था. मुझे लगा कि मैं अपना काम करने के बाद हम लोग खाना वगैरह खाएंगे. और अनशा को मैंने नहला दिया था, सैटरडे अनशा का ऑफ होता है, सेकंड सैटरडे था इस बार तो सभी का ऑफ था, पर वैसे भी अनशा का सैटरडे ऑफ होता है. तो और मुझे जियो मार्ट से भी मैसेज आया था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से काम कर रही थी क्योंकि ग्रॉसरी आने वाली थी. तो मुझे लग रहा था कि नहा जाऊँ उसके बाद ही आए क्योंकि लास्ट मंथ में उनको ऐसे हुआ था कि मैं कॉल नहीं उठाया था और बेचारा घर तक पहुंचाना पड़ा, उन्हें रूम तक लॉक करना पड़ा. तो यहाँ पे मैं नहाने जा रही थी इसलिए मैं कॉल आ गया कि मैं फ्री हो गई हूँ, बस नहाने जा रही थी. तो जी हमारे से ग्रॉसरी आई है तो उसको लेने जा रही, यहाँ पे गाड़ी आ गई. चलिए मैं पेमेंट करती हूँ, पहले गूगल पे होगा ना तब जाके आपसे मैं. भैया अभी ना ग्रॉसरी ला रहे हैं, थोड़ी बारिश भी हो रही है, मौसम आज बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है. ठंडा मौसम, फ्रेंड्स आ चुका है ग्रोसरी पेटी यहाँ पे. जूस दिखाती हूँ गाइस, आपके लिए भी है. हाँ
और ये इन्होंने बटर अभी भी डाला है इस पे, इसको चलो ऊपर ले आते हैं, मेल्ट हो जाएगा, इतनी ज्यादा ठंड भी नहीं होगी, मेल्ट नहीं होगा। चलो चलो जोर लगा के चलो चलो चलो, बहुत भारी है यार। पिछली बार अच्छा हो गया था, तुमने फोन नहीं सुना था तो घर तक आ गया था सामान, इस बार फोन सुन लिया था। कुछ डोर खोलो, अनाइश से बात ही करी थी, और अनाइश ग्रोसरी आने वाली, मैं नहाने जा रही हूँ, कहीं आना जाए और टाइम से हो गए। ये देखिए थक गया, सांस फूल गया, तो हमें पहले नहा ली दूँ, फिर इसमें दिखाऊंगी आपको क्या मैंने मंगवाया। इसमें ज़्यादा नहीं खाने पीने का ही सामान है, दालें तो इसमें भी कम, दालें इसमें पहले लेके आ गई थी बीच में जो ख़त्म हो गई थी बाहर से लोकल मार्केट से, तो इसमें थोड़ा बहुत पता नहीं क्या क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। चलो मैं नहा के मिलती हूँ आपको। तो गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब हम लोग ग्रोसरी ओपन करते हैं। चोटी वाली नहीं सा देखो हमारी, तो अब मैं ग्रोसरी ओपन करती हूँ, देखती हूँ क्या सामान आया क्या नहीं आया। कई बार ऐसा होता है ना कि सारा एक दिन नहीं आता, जो उनके पास अवेलेबल नहीं होता वो डिलीवर लेट करते हैं, तो पेटी खोलती हूँ और कूड़े वाला भी आने वाला है, उससे पहले ये सब कुछ काम धाम कर लेती हूँ अच्छे से, और उसका नहीं शक टाइम हो जाएगा सोने का। अगर लंच नहीं शक की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो उसका खाना खाने का मन नहीं है, खाना खाने को बोलती है नहीं बोलती, तो वो इससे पूछूंगी तभी बनाऊँगी कुछ हल्का खा, चपाती भी और ये कुछ खा नहीं रही, थोड़ा बहुत उसने भी खाया था। तो पहले ग्रोसरी ओपन करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस खोलते हैं और ओपन करते हैं, और इसकी टेपिंग ना बहुत ज़्यादा वायरल करेगी, इतना टेप लगाया हुआ है बेचारा उन्होंने, इतना टेप वेस्ट होता है यार। ओपन करते हैं ये देखिए हमारी, ऐसे करो ये देखिए हमारी डोरेमोन इसमें बाहर है, मैं ऐसे पहुंची रखो। ये है साबुन कपड़े धोने वाले, पकड़ो। ये है जीरा, और ये है विम, ये फॉर्च्यूनर का सरसों का तेल, और ये जूस, ये नशा का जूस, और ये नशा के पापा की स्प्राइट, मम्मा पापा की स्प्राइट, और ये हल्दी, ये चॉकोस, तो ये जो वो दिखती है ये वो दिखता है, और ये है हैंड वॉश, हैंड वॉश तो खत्म हो गया ना, ठीक है अच्छा, इन्होंने अच्छी पैकिंग होती है, पाउच वाला जो पाउच वाला है ना, ये वाला सोयाबीन वाला रिफाइंड, इन्होंने बंद करके होता है ये, और एक बिस्किट, और यही सामान है, इतना सा ही सामान है। तो इतनी सी पेटी में इतना सा ही सामान आया था, तो अभी इसको मैं अरेंज करती हूँ, आप देख सकते हो थोड़ा इतना सा थोड़ा सा सामान है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है रश, दालें तो एक भी दाल नहीं, सिर्फ ऑयल है और छोटी मोटी एक हल्दी और जीरा है, मसाले हैं और सारा खाने पीने का सामान है, जितना सा सामान था इस बार ज्यादा कुछ था नहीं, दालें वगैरह हम लोगों ने मेरे पापा की जीरा लोकल मार्केट से लेके आ गई थी तो थोड़ा बहुत ही मंगवा रहे थे, तो मैंने रिलायंस से मंगवाया। तो चलिए इसको अरेंज करते हैं,
तो पहले मैंने अनायशा को ना सुला दिया था यहाँ पे, क्योंकि अनायशा को नींद आ रही थी, 2:30 बज रहा था। तो अनायशा को सुलाने के बाद मैं फिर उठी, फिर मैंने ग्रॉसरी आराम से अपनी ऑर्गेनाइज करी, क्योंकि अनायशा के साथ नहीं होता काम। वो जब मैं ग्रॉसरी दिखा भी रही थी तभी कुछ ना कुछ लगी हुई थी बोले, तो ये अनायशा का कुछ सामान पावान इसके पापा ने भी लाया था छोटा मोटा सामान तो इसको खाने का, तो वो मैं इसको अरेंज कर दूँगी। मैंने अरेंज ही नहीं करा था तो जो बाकी ग्रॉसरी थोड़ी बहुत ग्रॉसरी थी, तो मैं जो राशन पानी है वो तो बहुत कम आया था, बस ऐसे ही खाने पीने का थोड़ा बिस्किट नमकीन तो नहीं था, चौको अनायशा का सामान होता स्कूल वगैरह का जो देना होता है बीच बीच में वो लेके आए थे, जूस वगैरह था। अब तो जूस वगैरह पीने का मन नहीं करता, जैसे मौसम ठंडा होता ना तो पीने का मन नहीं करता। बस सितंबर एक महीना बचा है, अक्टूबर से थोड़ी ठंडक शुरू हो जाती है, फिर तो अच्छा वेदर हो जाएगा। तो मेरे पास ना जो सरसों का तेल था वो ख़त्म हो चुका था, तो मैं आज का रिफाइंड यूज़ करी थी, तो मैं इसको ना आधा सा भरूँगा, मैं फुल नहीं भरती, आधा सा भरती हूँ। जब तो पाउच होता था तो मैं फुल भर देती थी, पर अब जब से बॉटल लाती हूँ तब से ये हाफ हाफ करके भरती हूँ। और यहाँ पर मैं पानी गर्म करने को लगा रही हूँ, क्योंकि अनायशा की बॉटल थी ना जो दूध पीने की, वो मैंने इसको वॉश नहीं कर रहा था, मतलब ठंडे पानी से वॉश कर रहा था, तो गर्म पानी से अब साफ करूँगी। तो यहाँ पे मैं पहले फ्रिज खोल कर देख रही हूँ कि सब्जी क्या बनाऊँ, मतलब क्या शाम के लिए बनाऊँ। मैं जल्दी बना रही थी यहाँ पे अनायशा सोने के बाद, बीच में अनायशा को सुनाने फिर से चली गई थी, क्योंकि अनायशा उठ जाती है, अगर मैं उठ गई तो अनायशा को पता चल जाता है कि मैं उठ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा मैं आज कड़वे जो कड़वे करेले होते हैं उसको भर के बनाऊँगी। तो 4 से 5 करेले लिए मैंने, तो 1 किलो करेले लाए थे, तो उससे ना मैंने 4 से 5 ही करेले बनाए। और मैं इसमें 2 प्याज और जो उसका थोड़ा सा बीज था, किसी किसी का तो पका हुआ था किसी का कच्चा था, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी चॉपर में। और जो बाहर की स्किन होती है करेले की वो थोड़ी थोड़ी निकाल के वो भी मैं इसमें ग्राइंड कर दूंगी। तो इसका बिल्कुल इसका पेस्ट तो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा दरदरा सा ही रहेगा इसमें चॉपर में। तो उसके बाद मैं इसका मसाला तैयार करूंगी। घर में करेले होते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, मुझे काट के करेले बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए मैंने आज भरवे करेले बनाए। तो मैंने ऑयल थोड़ा सा ऑयल डाला है, 2 से 2.5 चम्मच ऑयल होगा, उसके बाद हींग डाली, जीरा डाला है, और उसके बाद जो मैंने इसका मसाला बनाया था मैं वो इसमें ऐड कर दूंगी। तो इसका मसाला बहुत ज़्यादा टेस्टी और खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है जब ये पकता है। तो दूसरी साइड यहाँ पर मैगी बन रही है, क्योंकि अनायशा का उठने का टाइम हो रहा था, तो अनायशा ने दिन को खाना नहीं खाया था, जैसे मैंने बताया उसको कोल्ड हुआ है, तो कोल्ड में ना खाना खाने का बहुत कम मन करता है, तो उठपटांग जीजा का मन करता, उसका मैगी मूंगी खाने का मन कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने मैगी बना दी, तो अपने लिए भी बना दी। और इसे मैंने ड्राई मसाले ऐड करे, नमक मिर्च हल्दी थोड़ा सा मिर्च, और ये मैंने 1 चम्मच बेसन डाला, ये ऑप्शनल है, आप लोग डाल भी सकते हो नहीं, अगर जिसको फ्लेवर जैसा पसंद हो, तो मैं तो डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसकी खुशबू जब आती है। उसके बाद 1 चम्मच आमचूरन डालना है, और उसके बाद थोड़ी देर इसको भूनते रहना है, और इससे थोड़ा हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसके बाद इसको बंद कर देना है। तो ये देखिए, तो सेम कढ़ाई में ऑयल लेना है, हम लोगों ने करेले को फ्राई करना है, तो जो मैंने करेले रखे हुए थे उसको मैं फ्राई करूँगी। और मैंने सारे करेले एक साथ डाल दिए थे, क्योंकि मेरे पास 4 से 5 करेले थे, आप अगर ज़्यादा है तो 2 बार भी कर सकते हो। तो इसको फोक की हेल्प से हिलाते रहना है, जिससे ये चिपक मतलब जल ना जाए। तो अच्छे से इसको हम लोग घुमाएँगे, और चारों तरफ से ब्राउन होने तक हम लोग उसको पकाएँगे, बिल्कुल इसको 100% पकाना है, तो बाद में बिल्कुल नहीं पकेंगे करेले। जब मैं इस तरह से बनाती हूँ तो मैं पूरे करेले पकाती हूँ, और जैसे बाद में ना इसमें थ्रेड जब मसाला डाल भरते तो थ्रेड लगाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं इसको पूरा पका लेती हूँ। तो जब हमारे करेले पक जाएंगे उसके बाद उसको ठंडा होने के बाद भरेंगे, तो हमारे करेले ठंडे हो चुके हैं, और उसके बाद इसमें मैं स्टफिंग जो उसके मसाले बनाया था वो इसमें ऐड करूँगी। और जितना जितना आपके करेले में इस मसाला है उतना आप इसमें ऐड कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, अगर ज़्यादा मसाले वाले पसंद है तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, ये बिल्कुल नहीं निकलेगा इससे मसाला। एक बार ज़रूर ट्राई करना इस तरह की रेसिपी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, ना थ्रेड लगाना पड़ता है और ना ये इससे मसाला बाहर निकलता है। तो मैंने एक एक्स्ट्रा मसाला इसमें भरा, क्योंकि बस थोड़ा बच रहा था, तो मैंने ज़्यादा मसाला इसमें ऐड करा, और इस करेले बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो एक बार बेसन डाल के बनाना, बेसन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है करेलों में। तो हमारे करेले भर चुके हैं, और उसके बाद जो मैंने ऑयल पहले ही डाला था उसी ऑयल में मैं इसको फिर से डालूंगी। तो मैंने एक ही बार ऑयल इसका यूज़ करा, उतने ज़्यादा ऑयली नहीं थे ये जितना मतलब होते हैं, एक ही बार के ऑयल में मैंने सारे करेले बना दिए थे। तो ये देखिए मेरे करेले बन के रेडी हो चुके, 4 से 5 करेले बनाए थे, और आप लोग भी ज़रूर ऐसे ट्राई करना। मैंने इसकी रेसिपी पहले भी शेयर करी हुई है अपने चैनल पर, आप देख सकते हो। तो मेरे करेले बनने के बाद उसके बाद हम लोग गरम तेल करेंगे और उसके बाद इस करेले को इसमें ऐड कर देंगे और गैस बंद कर देंगे, तो हमारे करेले बन के रेडी हो जाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना, अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।
like and comment.